69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 7800 दलित और ओबीसी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। अभ्यर्थियों ने शनिवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थी आरक्षण में हुए घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की है। इस बीच शिक्षकों के समर्थन के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य इको गार्डन पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभ्यर्थियों की मांगों को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि सरकार की इस भ्रष्टाचार और निरंकुशता की घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि चयनित और पीड़ित अभ्यर्थियों को तत्काल रूप से नियुक्ति पत्र दिए जाएं।